क्या खाएगी तू? भैया से फर्स्ट बार मिला हूँ, बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर। सीरियसली पंकज भाई को तो मैं देखता रहता था, बट चलो आज मौका मिला। मैंने इनका गाना सुना है, बहुत तगड़ा था बोला वादियो। मैं ये भाई कुछ कर रहा था, आ गया। क्या करता था मन? क्या है, क्या समझ रही थी अपने आपको? अंजलि फेम तो है, लेकिन इनकी भी डिमांड बढ़ते जा रही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसा है सब लोग? आए सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। पहले तो सबको गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रानीखेत, और वो हो रहा है द पाइंट कैफे। आपने पहले देखा होगा यहाँ का, तो हम यहाँ ही आज भी शूट करना है। तो लोकेशन चेंज है, वहाँ नहीं जा रहे, पर हम मचखाली साइड या कहीं तो जाएंगे। पर अभी एक टेक यहाँ भी है रिजॉर्ट पे, और आपको अब मिलाते हैं आज के हीरो से, जो है प्रशांत भाई। आपने गाना सुना होगा, हिर का चेली ना रूली वाला गाना सुना है, तो उनसे मिलाते हैं आपको। यह सो हाय, कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार। और आज पंकज भाई की शरण में है। पंकज भाई के स्टेप बहुत इजी तो नहीं होते, दिखते ही इजी हैं पर होते बड़े खतरनाक। मैंने कहा भाई सबसे पहले मुझे प्रैक्टिस करवा। और भैया से फर्स्ट बार मिला हूँ, बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर। सीरियसली पंकज भाई को तो मैं देखता रहता था, बट चलो आज मौका मिला। मैंने इनका गाना सुना है, बहुत तगड़ा था बोला। चलो भैया करते हैं आप काम। ओके ओके ओके। सो गाइस, ग्रुप वाले सब आ चुके हैं, देखो। सो गाइस, टाइम हो चुका है 10, अभी प्रैक्टिस चल रही थी ग्रुप वालों की, तो ग्रुप प्रैक्टिस हो चुकी है, अभी टेक होगा। उससे पहले जैसे कि आपको पता, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट होता है, तो ब्रेकफास्ट में हमारे प्रोड्यूसर तो गए, प्रोडक्शन मैनेजर अक्कू भाई कल से बहुत खाती थी अक्कू। उन्होंने खाने में भयंकर कोई कसर नहीं, जो कहोगे वो मिलेगा। और खाने पर अभी देखते हैं क्या लाए ब्रेकफास्ट पर आपको। क्या भैया? ये छोले, ये भी छोले, ये भी छोले, पर इसमें हाँ दिख गए छोले। और पराठे हैं, चाय है, और यहाँ सब लोग। तो गाइस, आज की हीरोइन ये है भावना खंडपाल। लोग कहेंगे डेली की तो यही होती, नहीं चेंज होगी, इससे पहले नहीं चेंज थी, अच्छी थी ना। लोग कहेंगे डेली तो भावना ही रहती है। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आप बहुत टाइम बाद मुझे व्लॉग में देख रहे होंगे पंकज के, क्योंकि पंकज के व्लॉग में आना इज वेरी, भावना के व्लॉग में भी आना इज वेरी मोस्ट डिफिकल्ट। बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, और इसका एटीट्यूड बढ़ चुका है। ये नहीं हुआ गाइस, सॉरी। मेरा एटीट्यूड कभी बढ़ेगा? वो भी इसके लिए, वो भी इसके लिए। दोस्तों के लिए एटीट्यूड बढ़ता है क्या कभी? यार यार सही बात का। हाँ। लेकिन इसकी कैप कभी नहीं बदल सकती, इसकी कैप कैप चेंज थी पता है, आज दूसरी है। कल क्यों नहीं ब्लॉग में आया तुमने? कल आज से स्टार्ट कर दिया ना यार। ओह माय गॉड गाइस, आज से स्टार्ट करा इन्होंने ब्लॉग, क्योंकि दो चार दिन तक यही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जल्दी से इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी यही नोक झोंक देखने के लिए अगर आपको पसंद आते तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सारे लोगों को आती है पसंद, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं कहते हैं यार पंकज के साथ आपकी जो दोस्ती है, बॉन्डिंग है, और जो हाँ एकदम मैसेज भी किया था, घिचड़ पिचड़ है, वो अच्छी लगती है। भावना को नहीं अब ये आती नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊं? ये गुस्सा हो जा रहा है ना मेरे से, तो ये ब्लॉग में अब तक खुद लड़ाती हो कैरेक्टर सर आ गए। सो गाइस, ग्रुप सेट हो चुका है, और यहाँ पहले पूजा होती है शूट से पहले, हर बार पता होगा आपको शूट से। भावना घाट पर कर रही है पूजा। आज थोड़ा मौसम थोड़ा खराब हो रखा है यार। ये है एडी, एडी हमारे राहुल भाई, पहले प्रमोशन हो चुका है, हीरो से एडी में आ चुके हैं। कांग्रेचुलेशन। मैं अभी न्यूजीलैंड था, तो हाल फिलहाल में मैं इंडिया में प्रोजेक्ट में आ रहा हूं, और हमारे पंकज भाई जो हैं इसमें हमारे जहाँ हार्ट कैफे, और हमारे जतिन दा कैफे है। आप लोग मेरे माध्यम से यहाँ जरूर आए एक बार, बिल्कुल आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। और कुकिंग खुद करनी है, किचन में कोई स्टाफ नहीं है, खुद बनाओ खुद खाओ। देखो ये मालिक बोल रहे हैं। सो गाइस, बाहर शूट चल रहा था, तो यहाँ पर अभी मेकअप का डब्बा रख लेना मेरे। पूजा समझ आप करने, जब आप धूप में बैठते हो ना ऐसे, जैसे ऐसे एंटीना खड़ा हो जा रहा ना। गाइस हम वहां से आ गए, अब ये टप्पर में आ गए, पता नहीं कौन सी जगह है। ये देखो ग्रुप वाले पूरे यहाँ पर बैठे हैं, हमारे यहाँ पर बगड़वाल प्रोडक्शन भिंताल, ये तार ताल तो दिखा दो। और ये हमारे ग्रुप के लीडर, हमारे अंजलि फेम। अंजलि कहाँ है? अंजलि महंग करे, अब दिमाग खराब कर दिया गाइस। अंजलि फेम तो है, लेकिन इनकी भी डिमांड बढ़ते जा रही है। पैसे देने की बहुत होती है, पैसा दे क्या कहने के खुल के कहो, कैमरे में खुल के कहो, हम आप इंटरव्यू लो, हां बोलो खुल के बोलो।
ड्रेस तो कुछ है नहीं इनके भाई, इतनी खाची अच्छी खासी ड्रेस है, पर बॉयज का थोड़ा वो लग रहा है, गर्ल्स की अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। अच्छा तुम्हारे एडी साहब आ गए, इनसे मिल लिया बता। देखो ऐसा है, हल्के हल्के और हमारे बगड़वाल म्यूजिक प्रोडक्शन के हमारे ऑनर मिस्टर मनोज बगड़वाल जी। बात किसकी चल रही, मुद्दा कहाँ से कहाँ पहुँच गया गाइस। तुम्हारा भाई को ये बोल रहा हूँ कि जो कल वो ड्रेसेस ले लो, लड़की कौन सी हो साथ में नहीं जानता यार मैं। सो गाइस आ चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं कहीं पर, पता नहीं कौन सी लोकेशन है, पता नहीं, और साथ ही साथ भावना का लुक भी चेंज हो गया है। गाइस प्लीज पसंद मत करना कोई। ये क्या था, चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन, क्योंकि चाहने वाले बहुत हैं। पंचो आ रहा है। चलो तो गाइस पहले ऊपर गए थे और आप जा रहे नीचे, और यहाँ देखो कुत्ते के बच्चे, देखो ये देखो पपी। तो दर्शकों आपको वादिया दिखा रहा हूँ, और ये अरे ये क्या कर रहा है, ये मनोज भाई क्या कर रहे भाई है, ये क्या कर रहा है, वादियों में ये भाई कुछ कर रहा था, आ गया क्या कर रहा था। सो गाइस टाइम हो चुका है 4, और अभी हम तो आपको यहाँ के भैया से बुलाते हैं, जो यहाँ के ऑनर है ना, ये ऑनर है यहाँ के। हेलो, तो बताइए भैया लोकेशन आगे जी, लोकेशन क्या है? जी लोकेशन है एक्जोल्टर हिमालय व्यू, मचखाली रानीखेत, और यहाँ से सामने इतना अच्छा व्यू है ना, पूरा हिमालय दिखता, तभी हिमालय रखा है इन्होंने नाम लग रहा है। ये देखो पूरा हिमालय दिख रहा है, मेरे को वैसे उतना अच्छा नहीं दिख रहा पर दिख रहा है, और ये है इनका विला पूरा, और ये भैया ये देखो भाई, और यहाँ पता है BHK या 2 BHK अगर यहाँ तो करोड़ पैसा बहुत जरूरी है, है? फ्लैट कितने के बिकाओ यहाँ पे भाई? यहाँ पे ये स्टूडियो रूम है ये 30 लाख के हैं, अगर 1 BHK विला चाहिए तो 70 लाख, अगर 2 BHK चाहिए तो 1.25 CR, और अगर 3 BHK चाहिए तो आपको 2.75 CR। अब लगा दो पैसा। तो गौरव भाई तुम क्या ले रहे हो? एक्चुअली मेरा प्लान यहाँ पहाड़ में है, नहीं मैं लूँगा कहीं तो आउट ऑफ इंडिया, यू नो। तू भी से ले रिवाली। सो गाइस आ चुका है ग्रुप, ये देखो तैयार हो गए, पंजाबी लुक लग रहा है इन लोग का, तो अलग ही दिख रहा है, ये देखो, और ये आ चुके हीरोइन फावड़ा। राहुल भैया एक फोटो खींचो ना। खूब आर्टिस्ट है हमारी पूजा, कैसा लग रहा है पूजा आपको? मस्त हिमालय इसके पीछे जस्ट, और ये पूरा ग्रुप डीओपी एंड डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर, मस्त लग रहा है। अरे वहां से भागते हुए हीरोइन पीछे मुंडा एक बार हम ना। तुम क्या मिले? मतलब क्या है, क्या समझ रही तो अपने आपको? भगवान ने तुझे तो भेजा, पर भेजा को नहीं भेजा, बिकॉज़ भेजा पंकज के पास। सो गाइस फाइनली 6 बजे शूट कंप्लीट हो चुका है, मतलब आज का जितना भी था कंप्लीट हो चुका है, अब कल फिर से होगा, तो अभी चलते हैं, अभी खाना भी नहीं खाया हमने, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था, उसके अलावा कुछ नहीं खाया गाइस, अब देखते हैं खाने पे क्या मिलता है, पर भूख तो लगी नहीं थी। खाली बोल रहा, भूख लगी होगी। और देख लो बिल्डिंग देखो भाई, जहाँ देखिए पैकअप तो हो चुका है, और ग्रुप वाले गर्ल्स से मिलाते पहले, ये देखो सब लोग, दो ही दिख रहे क्या, 6 थे, 3 4 5 6 हो गए क्या, 5 एक फोटो। तो हम एक लड़की से मिलाता हूँ, मीनू बहुत स्वीट सी गर्ल है, तो क्या खाएगी तू, गलती आप बॉयज का भी लाएंगे, खाना खाते हैं पहले, भूख लगी सबको, और डायरेक्टर साहब का मूवी कितना हो गया, कितना हो गया गाना, खाने चलो, खाना। फाइनली गाइस खाना आ चुका है, खाने पे है देखो आलू और राजमा चावल, झोली भी है पर झोली मैं नहीं खाता, और इन लोगों आगे देखो सब लोग खाने में लगे, झोली है और मैं बोली। तो बोली है
भोली तो है ही तो बहुत। देखो ये खाने लग गए, मैं भी खाता हूँ। बता देना ठीक है। है कौन सा संतों का बताओ। नाक से गुस्सा कर दो दीदी पे, गुस्सा पे कर दो। चलो चले बाय बाय, बोलो बाय कर दो, बाय करो इसमें। अच्छा चलो बाय तो मेरे साथ चलो, बाय 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 मेरे साथ चलो, नहीं चलो। चलो आपके पास आ गई लेकिन जाती नहीं। सो गाइस टाइम हो चुका है 7:30 और फाइनली अपने एक रूम पे हम पहुंच चुके हैं और शूट आज का जितने तक खत्म हो चुका है और हम भी अब ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए।